हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे डार्क वेब सीरीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से दो दिन पहले पूछा था कि मैं एक सीरीज का रिव्यू कर रहा हूँ, तो काफी लोगों ने गैस करके सही बताया था कि डार्क वेब सीरीज का कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक जो पहले थे उनका नाम है ऑसम दोस्त उटाकू, ये उनका यूट्यूब आईडी नेम है। तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, और शायद वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर में से भी है, तो इसलिए थैंक यू, आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। उसके अलावा एक और चैनल है जिसका नाम है अंकिता सेस, एक अच्छा मूवी रिव्यू चैनल है। तो उस चैनल पर जरूर विजिट करना, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, उसको भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। तो थैंक यू सो मच, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं सीरीज की। तो देखिए, नॉन स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है यहाँ पर, मैं आपका सिर्फ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको जो मजा है वो मजा खराब हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इंडिया में इस सीरीज को बहुत ही कम लोगों ने देखे, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि पहले तो ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलती है, ये सीरीज या तो जर्मन लैंग्वेज में देख सकते हो या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई इसका जब थर्ड सीजन आ जाएगा, जो कि इसी मंथ में रिलीज होने वाला है, तो उसको साथ में देखेंगे, जो कि अच्छी बात है। उन लोगों की जो सोच है वो अच्छा है, क्योंकि ये सीरीज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप लोग इसको टुकड़ों में देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। ये सीरीज को आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा, और एक बार जब इस सीरीज को देखने बैठोगे तो बस ऐसे हिलोगे नहीं। और अब बात करते हैं सीरीज की। तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 2019 से, जहां पर एक बच्चा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। अब उसके गायब होने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। उसके अलावा सीरीज में आपको चार फैमिलीज देखने मिलेगी, और उन चार फैमिलीज की तीन जनरेशन की कहानी यहाँ पर देखने मिलेगी, और किस तरह से चारों फैमिली आपस में कनेक्टेड है, ये सब कुछ जान के आपके बाल खड़े हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, पूरे बॉडी के बाल खड़े हो जाएंगे। और कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी जब आपको पता चलेगा तो आपको हंसी भी आएगी, और आप लोग शॉक में कह रहे भाई ये कैसा हो गया। और सच बता रहा हूँ मैं, जब एक्टर्स लोग परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो जब लोग डायलॉग बोल रहे, तो कुछ डायलॉग बहुत ज्यादा मतलब हंसी आती यार। मतलब यहाँ पर मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस जो जो राज खुलते ना, तो कुछ राज मतलब अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ या किसी के साथ इस तरीके की चीजें हो, लेकिन जिसके साथ भी हो रही है ना, वो थोड़ी हंसाती भी और कंफ्यूज भी करती बहुत सारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन चारों फैमिलीज की, जैसे कि खानवल फैमिली, नीलसन फैमिली, डॉबलर्स फैमिली और टेडमैन फैमिली। तो जो खानवल फैमिली, उसमें हमें नजर आते हैं जॉनस खानवल, जो कि हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर भी है। तो उनके फादर की सुसाइड होने के बाद थोड़ा परेशान रहता है। और दूसरी अलरिच नीलसन, जो कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन 33 इयर्स पहले, अब ये 33 जो है ना, आपको इस सीरीज में बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो 33 इयर्स पहले उनके छोटा भाई मिस्टीरियस तरीके से उस टाउन से गायब हो गया था। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है उनसे ही रिलेटेड, जो कि मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। खैर, जो तीसरी फैमिली वो है डॉपलर फैमिली। तो जो शार्लेट डॉपलर है, वो इन बच्चों के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के जो केस है उसको हैंडल कर रही है। और जो चौथी फैमिली वो है टेडमैन फैमिली, जो कि उस विंडन टाउन में एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसके मैनेजमेंट को हैंडल करती है। और ठीक उस न्यूक्लियर प्लांट के नीचे केव है यानी गुफा है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाउन में, उसका जो रहस्य है वो वहीं पर छुपा हुआ है। मैं इस सीरीज को देख के पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने सीरीज को दो बार देखो, कंटिन्यूस दो बार बैठ के देखो, क्योंकि मैं उस सर्कल को तोड़ना चाह रहा था भाई, किसी तरह से मैं देखूं कि कुछ तो मुझे गलती मिल जाएगी सीरीज में। लेकिन सीरियसली मुझे कुछ भी गलती नहीं मिली, और मुझे ऐसा लगता कि ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट रिव्यू होने वाला और सबसे फनी भी रिव्यू होने वाला, क्योंकि मैं पूरी तरह से ब्लैंक हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या। ऑल्दो ये सीरीज को इतना ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है, प्रेजेंट किया है, कि मतलब आप इसमें कुछ गलती निकाल ही नहीं सकते। और 80% लोगों को ये सीरीज समझ भी नहीं आती, ऑल्दो ये सीरीज का अभी तक के कुछ कंक्लूजन निकल के आया नहीं। अब बात करते हैं सीरीज में इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। ऑल्दो इस सीरीज में आपको सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिले, उन सारे कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया है कि मतलब कहीं से भी आपको कोई भी कैरेक्टर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन रहती नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस सीरीज में आपको सिर्फ टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ही चीजें देखने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स है उन लोगों का पर्सनल रिलेशन आपस में किस तरह से, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इस सीरीज में फोकस करते, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इस सीरीज के अगर इसके सिनेमेटोग्राफी की बात करूंगा, तो जितने भी डार्क अंधेरे के सीन है वो इतनी अच्छी तरह से मतलब पिक्चराइज किए कि मतलब आपको कहीं से भी ऐसा मतलब ऐसा आपको गौर से देखना नहीं पड़ेगा ये चीजें चल के रही है, मतलब सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली नजर आती है। उसके अलावा इस सीरीज में आपको बहुत सारे टाइमलाइंस देखने मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ तीन ही टाइमलाइंस के बारे में बताऊंगा, 2019, 1986 और 1953। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर टाइमलाइन देखने को मिलती, जो कि स्पॉयलर्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल टाइमलाइंस देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं टाइम ट्रेवल की बात करूं,
तो यहाँ पर एवेंजर जैसी बड़ी टाइम ट्रेवल मशीन देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पे टाइम ट्रेवल की मशीन देखने को मिलेगी, लेकिन वो कैसी है वो तो आप जब इस सीरीज देखोगे तब आप लोग समझ जाओगे। उसके अलावा अगर मैं सीरीज के बीजीएम की बात करूं तो बीजीएम ऐसा है कि समझ लो हॉरर सीरीज नहीं होने के बावजूद भी आपको डर महसूस होता है पूरे 18 एपिसोड में वो फील किया अंदर से। ऑल्दो मुझे मालूम है कि इस सीरीज में भूत है नहीं, लेकिन फिर भी इसका बीजीएम इतना शानदार है कि मतलब यार इस सीरीज को चार चांद कर देता है इसका बीजीएम। उसके अलावा मैं सीरीज की एडिटिंग की बात करूं तो हर एक एपिसोड को उतना ही लंबा रखा गया जितना होना चाहिए। मतलब कोई भी एपिसोड आपको जरूरत से ज्यादा लंबा या जरूरत से ज्यादा छोटा नहीं दिखता है, हर एक एपिसोड की परफेक्ट लेंथ है। लेकिन जिस तरीके से मेकर्स ने सीजन 2 को 8 एपिसोड में खत्म किया, वैसे अगर मेकर सीजन 1 को भी 8 एपिसोड में खत्म करते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि जो उसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड है वहां पर मेकर्स ने इन सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया, तो इसलिए उन लोग ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, जो कि वहां पर थोड़ा सा हम लोग को बोर फील होता है। लेकिन जैसे 6th एपिसोड आता है वहां से जो ये सीरीज पिकअप लेती है, तो उसके बाद आप बैक टू बैक सारे एपिसोड देख लेते हो। लेकिन मैं अगर आपको मेरे पर्सनल एपिसोड्स के बारे में बताऊं तो सीजन 1 का एपिसोड 6th, 7th, 8th और 10th ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही नेक्स्ट लेवल के एपिसोड थे, और क्योंकि जो ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो आपको इस चार एपिसोड में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीजन 2 की बात करो तो 1st और 3rd एपिसोड को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर है, और जहां पर आपको ऐसा लगेगा यार हम लोग कंक्लूजन पे आ गए तो वहां पर एक नया ट्विस्ट आता है और वहां पर पूरी तरह से सर घूम जाता है। और अभी तक तो मैं आपको इतना कह सकता कि इस सीरीज ने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट सीरीज में से एक बन चुकी है। और इस तरीके की सीरीज ने डिजर्व करती है एक लार्जर ऑडियंस। तो लैंग्वेज की परवाह मत करो, अगर आपको एक अच्छी कहानी, अगर आप लॉकडाउन में फ्री बैठे हो आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है तो ये सीरीज को जरूर देखो, क्योंकि आप जितने भी घंटे सीरीज को देखोगे ना उतना घंटा आपका दिमाग चलेगा और कुछ नहीं। ऑल्दो इस सीरीज में कुछ न्यूडिटी की सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। अकेले में देखो बहुत अच्छी लगेगी, और इसी मंथ में इसका सीजन 3 भी आने वाला था, इसलिए ये सीरीज जल्दी से शुरू करो, एक हफ्ते में आप ये सीरीज को खत्म कर दो। यानी कि अगर आप डेली के 3-3 एपिसोड भी देखोगे तो आप इस सीरीज को जल्दी खत्म कर दोगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज बीच में ब्रेक मत लेना, वरना जिस तरह से सीरीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया ना आपके दिमाग से पूरा बाउंसर जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने कोशिश किया कि मैं जितना हो सके नॉन स्पॉयलर रिव्यू करूं, क्योंकि इस सीरीज के बारे में जितना बताने जाएंगे ना उतना स्पॉयलर्स बाहर आते जाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी और आप लोग इस सीरीज में कहां कंफ्यूज होते और सीजन 3 का आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।